नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। गोपाल मंडल ने लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर बयान दिया था। आपको याद होगा कि गोपाल मंडल ने कहा था कि तारकिशोर प्रसाद अपने क्षेत्र में पैसा उगाही करने के लिए आते थे, जिसके बाद से लगातार जो है सियासी भंवर में इस बयान को जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ देखा गया। विपक्ष ने इस पर मज़ेदार चुटकी ली है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग इस पूरे मसले पर कहीं भी कुछ बोलने से मना करते रहे। आज एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। जब गोपाल मंडल ने, हम आपको पहले बता दें कि गोपाल मंडल ने आज जो है तारकिशोर प्रसाद के तेवर को लेकर के नरमी दिखाई है और उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तारकिशोर प्रसाद को आई लव यू कहा है। तारकिशोर बाबू जहाँ कहीं भाई आपसे मैं हिंदी में प्यार करता हूँ, अंग्रेजी में आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जिसका जवाब जब पत्रकारों ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से जानना चाहा तो उन्होंने इस पूरे मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। क्या कुछ कहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गोपाल मंडल के इस बयान पर, हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने आपको आई लव यू कहा सर, सर कुछ सर कुछ तो सर बोलिए सर, कुछ तो बोल दीजिए सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहा सर, कुछ उन्होंने सर कुछ अपना मोहब्बत जाहिर की आपके प्रति सर, हम तो पूरे बिहार के लोगों को बहुत पहले से प्यार करते हैं, इसलिए उसमें गोपाल मंडल के लिए क्या कहना चाहेंगे, अलग तरीके से अपना प्यार जाहिर किया आपके प्रति, सर क्या कहेंगे? अरे चलिए, हमारे एनडीए के वो अन्य विधायक हैं और आपने देखा भी होगा कि मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, मैं पहली बार आप लोगों के सामने ही अपनी बात कह रहा हूँ। हमारे सभी सम्माननीय सदस्य हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। तो सुना जिस तरह से गोपाल मंडल ने तारकिशोर प्रसाद को आई लव यू कहा और बाद में जो है उन्होंने नरमी दिखाई, यानी कि अब साफ तौर पर देखा ये जा रहा है कि गोपाल मंडल जिस तरह से लगातार तारकिशोर प्रसाद पर हमलावर होते रहे, आज उन्होंने आई लव यू बोलकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो है बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तारकिशोर प्रसाद जो है वो उन्होंने इस पूरे बयान से बचते नजर आए और उन्होंने कुछ भी बोलने से मना किया है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।